थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट चकिया बिंदु। जो माननीय पूर्व विधायक शाम बहादुर सिंह जी जिस लड़ाई को
अपना लड़ाई मान के लेकर चल रहे हैं और वो सरकार उनकी सरकार बिहार सरकार में चल रही है। अगर हमारे प्रत्याशी को आप लोग जिताने का काम कीजिएगा तो सहयोग करने के लिए तत्पर है। हम साथियों से निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे, इस बार के चुनाव में निश्चित तौर पर अपने सोच समझ के हम लोग के प्रत्याशी रईस भाई को अपना बहुमूल वोट दे दीजिए और जीत के जाएंगे। आपकी बात और आपकी आवाज बन के सदन में काम करेंगे। जय हिंद जय भारत। सरकार समझाता है घर तो बगल का दुश्मन ठीक बारी ना ठीक भाई हमार वोट मांगे हम तो मांगते बनी सब यहाँ का मांगे अपना से तो ज्यादा अच्छा रही। हम लोग पाका पके विश्वास का अहंकार नहीं है, घमंड नहीं है, अहंकार घमंड हो लोग पटनी के सीजन भी बा समय से एक एक फूट भाई के खाता में डाल दो बा एरिया के मान सम्मान करी हमार मान सम्मान करी हम हमारा नहीं बुझाई की हाथ में फिर तुझे बुझाई की फिर जवानी हमारा आ जाइए दस बरस जाने हर दुआ हमार पड़ जाए काम हो भाई के जिता देव लोग हमारा प्रति एक लाख मोहब्बत प्यार बरबा 15 साल हमारा डेरा पट्टा जे भी गई होगी अब मीना को हंसने के बाबू बिलास पानी लेव अपना हाथ पानी पिया अपना हाथ खेल पानी यही हमारा यहाँ गंगा का तू गई हुई तो निश्चित रूप से ओकरा याद हुई। ऐसे समय के अभाव का जाने अनजाने उन गलती का ही रूप है जरा का बाप करे के बाद हमारे भाई के जीता के पटना भेजवा दे के बाद ऐसे हम माफ कर लो अब अपना अपना काम में लग जाए के समय समय के भी अभाव बा चारगो लोग छुटल फटकल बा गुरु से कह के भाई खान सर के जिताओ जाओ जाते अच्छा रही। जय हिंद जय जवान जय भारत जय किसान। नमन और प्रणाम करता हूँ यहाँ तमाम उपस्थित हमारे जनप्रतिनिधिगण और हमारे समर्थकगण सब भाइयों को सलाम प्रणाम। अपने जो बुजुर्ग है उनसे आशीर्वाद का आशा करता हूं। मैं रईस खान MHU प्रत्याशी के रूप में इस गोरिया को निशन देने पर अपने लिए वोट की अपील कर रहा हूं। सिवान के गोरिया कोटी प्रखंड राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र है आज जिसको इस गोरिया को भी प्रखंड से आशीर्वाद मिल जाता है तो सिवान का खतर ही करता है। के अनुसार सेवा भाव के अनुसार चाहे तो अपने जनता को कहीं से भी उपलब्ध करा सकते तो उन्होंने कहीं नजर नहीं आए अब ही आए अब क्या करें कि हम प्लांट लगाए तो प्लांट लगा देंगे तो बेरोजगारी दूर हो जाएगा। अब मैं आप लोग यही पूछना है कि आप प्लांट लगाएंगे तो अपने लिए लगाएंगे सिवान की जनता के लिए लगा देंगे और बेरोजगारी दूर करने की जहां तक बात है तो किसी की बस की बात नहीं है कि बेरोजगारी दूर कर दे। बेरोजगारी दूर कर सकता है तो यह सरकार बिहार सरकार केंद्र सरकार अगर चाह दे तो बेरोजगारी दूर हो सकती है। जितना भी पद खाली है चपरासी का कर्मचारी का पुलिस विभाग का हर विभाग में बहुत सारा पोस्ट खाली है पद खाली है उसको अगर सरकार चाहे तो कर सकती है तो उससे बेरोजगारी की समस्या कम हो जाती है। आरोप मुझे हमारे आदमी NDA से लिया है उससे थोड़ा सा आप लोग जो हमारे जनप्रतिनिधि
वो पूछ ले कि इससे पहले मैंने आपको नेक्स्ट बनाया था एनएलसी का कार्यकारी क्षेत्र का होता है। साढ़े तीन साल में इस्तीफा क्यों दे दी, किस कारण इस्तीफा आप दे दिए? पार्टी बदलते रह जाइए मनोज बाबू, इसी तरह का हर तरह का हक करके अपनाते रह जाइए। जनता जिसको दिल में फंसा लेती है उसको निकालती नहीं है, जिसको निकाल लेती है उसको फंसाती है। हम लोग तो ज्यादा लेट हो गए हैं और घूमने के लिए सीख भी रहे हैं। आने वाला समय में अगर मौका आप दिए तो अच्छा भूलेंगे भी अच्छा करेंगे। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।